नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। कटंगी तुमसर मार्ग वार्ड नंबर 14 पर जो रेस्टोरेंट जो कि लॉकडाउन के चलते बंद थे किंतु अंदर ही अवैध शराब की बिक्री होती थी, जिस पर मुखबिर की सूचना पर पुलिस अधिकारी SDOP मरकाम और TI कमल निगवाल और SI धन सिंह धुर्वे और पुलिस स्टाफ द्वारा छापेमार कार्रवाई की गई, जिसमें अवैध शराब का जखीरा बरामद हुआ। रेस्टोरेंट के मालिक को गिरफ्तार कर पुलिस ने मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34A के तहत मामला पंजीबद्ध कर अपराधी को मुचलके पर छोड़ दिया है। अंग्रेजी शराब जिसमें ब्लेंडर फ्राइड 8 नग बियर कैन, 5 नग बियर बोतल, 15 नग रॉयल स्टेक, 33 नग मैकडॉल, 43 नग बैकपाइपर विस्की, 48 नग सभी अंग्रेजी शराब मिलाकर लगभग 36 लीटर है, जिसकी टोटल कीमत 38,860 रुपये बताई जा रही है। जो रेस्टोरेंट शहर में है वो वर्तमान में बंद है। उसका जो संचालक है वैभव गुप्ता, घर में पीछे की तरफ से अवैध शराब रखा है और वहीं से वो विक्रय कर रहा है। सूचना पर SDOP साहब की टीम और हमारी टीम ने जाकर उसके घर में दबीश देकर तलाशी ली गई, जिसमें उसके घर से अंग्रेजी शराब के विभिन्न क्वालिटी के क्वार्टर्स आता प्राप्त हुए हैं, जिसकी टोटल 36 लीटर के आसपास में है और कीमत उसकी करीब 38,000 रुपये है। कार्रवाई करके शराब जब्त करके उसको गिरफ्तार किया गया, पेट्रोल कायम करके उसकी विवेचना की जा रही है। शहर में जहाँ भी इस तरह की जो अवैध शराब की बिक्री हो रही है उनमें सख्त कार्रवाई की जा रही है। भी अभी और भी ऐसी कार्रवाई आपकी चालू रहेगी? हाँ, कल एक दो घरों में और हम लोगों ने तलाशी ली थी जहाँ पर ऐसी सूचनाएँ हम लोगों की, और आज भी उसके लिए हम लोगों ने लोगों को लगा दिया है जहाँ पर भी ऐसी अवैध